हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पाइथन प्रोग्राम्स के बारे में कि कैसे हम एक पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हैं अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए हमें पाइथन को ऑन करना पड़ेगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल है तो आपको IDLE ओपन करना पड़ेगा। तो हमने उस एडिटर को ओपन कर लिया जहाँ पर हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, तो पाइथन में जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसमें किसी भी प्रोग्राम को बनाने के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इनपुट, हमें इनपुट लेना पड़ता है। दूसरा स्टेप होता है प्रोसेस का, और हमारा तीसरा स्टेप होता है आउटपुट का। यानी कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो हमें उसमें ये 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। जैसे कि अगर हम 2 नंबर एडिशन का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें 2 नंबर चाहिए जिनका हम एडिशन करेंगे। तो जो 2 नंबर हमारे लिए होंगे वो हमारे लिए इनपुट का काम करेंगे। फिर हम उस पर प्रोसेस करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कि एडिशन हमें परफॉर्म करना है तो हमें उनके लिए एडिशन करना पड़ेगा। उसके बाद एडिशन करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम डिस्प्ले कराएंगे, जो एक आउटपुट के रूप में होगी। तो अगर हम प्रोग्राम लिखना चाहें तो देखो हम कैसे लिखेंगे। हमें 2 नंबर चाहिए जिनका हम इनपुट लेंगे और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करके और हम एक रिजल्ट को दिखाएंगे। तो 2 नंबर के एडिशन के लिए प्रोग्राम लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा a=10। ये हमने अपने मन से एक वैल्यू मानी है, आप 10 की जगह कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा b=20, हमने 20 माना है, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर b और a की वैल्यू अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये a=10 b=20, ये हो गया इनपुट। अब हमें करना है कैलकुलेशन, तो c=a+b। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू b की वैल्यू पुट हो जाएगी और कैलकुलेशन होके इन दोनों का जो एडिशन है वो c में स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास c में एक वैल्यू है जिसको हमें यूज़र विंडो पर डिस्प्ले कराना है, आउटपुट के रूप में डिस्प्ले कराना है। तो पाइथन में इसके लिए एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है जिसका यूज़ करके हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन मिला है, प्रिंट, इसका यूज़ करके हम वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं। तो हमने प्रिंट के ब्रैकेट में लिख दिया सी, तो प्रिंट फंक्शन सी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। आइए हम इसको देखते हैं रन करके कि कैसे ये प्रोग्राम रन होगा और हमें कैसे 2 नंबर का एडिशन का आउटपुट मिलने वाला है। तो इसको हम रन करेंगे, तो रन करने का शॉर्टकट होता है F5, या फिर आप रन ऑप्शन पे जाके रन मॉड्यूल पर क्लिक करोगे तो ये जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। इससे पहले ये सेव करने के लिए बोल रहा है कि आप इस फाइल को सेव कर दो, तो ये विंडो खुल गई। हम यहाँ पर नाम से सेव कर देते हैं, जैसे कि हमने इस प्रोग्राम का नाम रख दिया add.py। हम एंटर करेंगे, ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। यहाँ पर ऐड नाम से ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, कोई दूसरा नाम लेते हैं, जैसे कि add1.py। तो यहाँ पर add1.py से ये फाइल भी सेव हो जाएगी और ये हमारा आउटपुट विंडो है जिसको हम लोग पाइथन सेल बोलते हैं, और हमारे सारे प्रोग्राम यहीं पर एग्जीक्यूट होते हैं। तो देखिए ये हमारे आउटपुट आ गया, जो हमने प्रोग्राम्स बनाया था उसका आंसर यहाँ पर 30 शो हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।